हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे चैनल मिनी गार्डन में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला, जो समर में फ्लावरिंग देता है प्लांट के बारे में। तो ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये है सदाबहार के प्लांट। और सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक गार्डनिंग से रिलेटेड हर वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो बात करते हैं हम सदाबहार प्लांट के केयर एंड टिप्स की। तो सबसे पहले, सदाबहार में दो तरह की मतलब वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। तो जो ये वैरायटी देख रहे हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी के, इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको, प्रिटी प्रिटी। और ये मतलब नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। आप इसे मतलब दो तरीके से लगा सकते हैं, कटिंग और बीज से। इसके फूल से ही बीज बन जाते हैं, तो आप बीज से भी तैयार कर सकते हो और कटिंग से ईजिली लग जाते हैं। तो इस प्लांट को मतलब 4 से 5 घंटे की धूप एकदम ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इसे धूप में रखें, ताकि ये अच्छे से ब्लूमिंग करता है। और धूप में रहने से ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अभी देख रहे हैं कितनी मतलब बारिश का मौसम है, जुलाई चल रहा है, और कितनी अच्छी देखिए ब्लूमिंग हो रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे फूल एक साथ, और इसका नाम ही सदाबहार, फूलों में एकदम बहार ला देता है। और इतने सारे एक साथ फ्लावरिंग करता है ना, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लगता है गार्डन में देखने में। और ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, एक बार आप लगा लोगे। इससे मतलब बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, जो इसके फूल होते हैं उसे सीड्स में बहुत भर फूल जाते हैं, फिर आप सीड्स भी तैयार कर सकते हैं। आप सीड्स के पौधे से नए प्लांट भी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब सदाबहार के प्लांट को लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है इसमें। और इसके प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और मुझे ये प्लांट बहुत ही लगा दो, मतलब ये लग जाते हैं। ये नहीं कि इस मिट्टी में लगाओ, ये किसी तरीके की मिट्टी से आप मतलब लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करते हैं। और देख रहे हो आप कितने सारे ब्लूमिंग, ये मैंने घर के नीचे लगाती है, तो वहाँ पे इतने सारे ये ब्लूमिंग हो रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा फैलता है, जैसे कि देख रहे हो, और एक साथ कितनी सारी इसमें कलियाँ बर्ड्स आए हुए हैं। और इसकी दो हाइब्रिड वैरायटी होती है, उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कलर होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में सदाबहार को ऐड कर सकते हैं, और ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।